क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार बताइए। नहीं नहीं मुझे क्या बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है, ऐसे किसी की लड़की को उत्तर देने जाएंगे? उतना ही बताइए होंगी। और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे? जीरो टॉलरेंस यही बोला जाता है ना, कहाँ है जीरो टॉलरेंस मुझे बताइए। 24 घंटे होने जा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट, ना मेडिकल, ना कोई पुलिस एक्शन। अभी तक क्या हुआ मुझे तो ये जानना है ना, अभी तक क्या हुआ? आप लोग सब सो रहे हैं, आपका हेड को क्या कर रहा है भाई? इतनी बड़ी घटना मतलब किसी को किसी एविडेंस की जरूरत है? इट इज योर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय आईज। होने जा रहा हूँ 6 बजे तक, मुझे रिपोर्ट करिए क्या इस केस में हो रहा है। नहीं आप लोग कुछ करेंगे उसके बाद आप देखिए मैं क्या। ये गुंडागर्दी जो हो रही है ना, ये कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर बच्चियों को उठाना, ये सब नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी। 2 घंटे का मैं समय दे रही हूँ, अगर एक्शन नहीं हुआ, FIR नहीं हुई, तो ये सब सीधे ये मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। सौम्य स्वभाव वाली केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनीलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को गुस्सा आ गया, वो भी अपनी ही सरकार के अंदर काम कर रही तेज तर्रार पुलिस पर। ऐसा गुस्सा आया कि मानो ज्वालामुखी फट गया। पुलिस अधिकारी हाथ जोड़े मुन्न मारे खड़े रहे और अनुप्रिया सुनाती रही। अभी तक क्या हुआ मुझे तो ये जानना है ना, अभी तक क्या हुआ? आप लोग सब सो रहे हैं, आपका हिस्सा क्या कर रहा है भाई? इतनी बड़ी घटना मतलब किसी को किसी एविडेंस की जरूरत है? इट इज योर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय आईज। अनुप्रिया कभी हिंदी में हड़काती लेकिन गुस्से में जुबान बदल जाती तो अंग्रेजी में भी बल भर सुनाती। ऐसा हड़काती की पुलिस देखती ही रह गई। तो आप लोगों ने भी तो किया क्या, घटना कितने बजे की है कल रात को बेटा? 9 बजे। मतलब 24 घंटे तो होने वाले हैं, अभी तक क्या हुआ? नहीं अभी तक क्या हुआ भाई, FIR दर्ज हो गई? कुछ नहीं, मतलब इसके बाद भी मुझे आने की जरूरत है कि FIR दर्ज होनी चाहिए। इनका मेडिकल तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का तो पता नहीं। माँ खड़ी होकर कह रही है कि बच्ची को उठा ले जाते, इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में? क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार बताइए? नहीं नहीं मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है, ऐसे किसी की लड़की को उठा के ले जाएंगे? इतनी गुंडाई होगी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे? इतना माइकल वाले जिले में कौन पैदा हो गया? आपको बताया ना परिवार ने उनकी बच्ची को उठा के ले जा रहे थे और आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करी, अभी तक FIR नहीं हुई। क्या करूं मैं, आपके SP के कार्यालय पर पहुंच जाऊं? नहीं मैं ये पूछ रही हूं कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, क्या चाहते हैं आप? जीरो टॉलरेंस यही बोला जाता है ना, कहां है जीरो टॉलरेंस मुझे बताइए। 24 घंटे होने जा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट, ना मेडिकल, ना कोई पुलिस एक्शन। क्या किया आपके समय? अभी तक नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से इस आदमी को मर जाना चाहिए था, तब शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती। जिंदा क्यों है, थोड़ा मार देते तब शायद आप लोग एक्टिवेट होते, कुछ करते। शर्म की बात है, कार्रवाई होगी ये तो आप आज मेरे कहने के बाद कह रहे हैं। अभी तक क्या हुआ मुझे तो ये जानना है ना, अभी तक क्या हुआ? आप लोग सब सो रहे हैं, आपका हिस्सा क्या कर रहा है भाई? इतनी बड़ी घटना मतलब किसी को किसी एविडेंस की जरूरत है? इट इज योर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय आईज। क्योंकि विंध्याचल में ड्रग्स बिकवाने में फुर्सत नहीं है ना, कोई आदमी मार दिया जाए, किसी की बिटिया उठा ली जाए। अस्पताल का कंडीशन है कि रात के 2 बजे बोल रहे हैं कि क्यों मेडिकल नहीं हुआ? तो क्यों मेडिकल नहीं हुआ? सिटी स्कैन क्यों नहीं हुआ? क्या कर रहे हैं भाई? मेरे आने के बाद तो आप आ रहे हैं, मेरे आने के बाद आप आ रहे हैं, क्या हो रहा भाई? क्या जिम्मेदारी आपकी बता दीजिए मुझे, आप सबकी क्या जिम्मेदारी है जरा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तक आपने एक बार भी देखा, एक बार भी आपको फुर्सत मिली? दिस इज नॉट अ सीन, अ सिंपल केस। तो आप क्या कर रहे हैं?
दरअसल ये मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के कुरौठी गांव का। कुरौठी में रहने वाले अपना दल के कार्यकर्ता अजय पटेल पर हमला हुआ। उनका आरोप है कि गांव के रहने वाले दबंग घर में जबरन बैठकर शराब पीना चाहते हैं। जब मना किया तो बेटी को उठा ले जाने लगे। बचाव के लिए आगे आए तो कथित गुंडों ने जमकर पिटाई कर दी और इसके बाद होती है पुलिस की एंट्री। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगता है। ऐसे में जब अपने कार्यकर्ता को देखने के लिए अस्पताल अनुप्रिया पटेल पहुंची तो उनको भी गुस्सा आ गया। गुस्सा इतना बढ़ा कि पुलिस के सामने ही अल्टीमेटम दे दिया, 2 घंटे का टाइम है, निपट लीजिए। 6 बजे तक मुझे रिपोर्ट करिए, क्या इस केस में हो रहा है, नहीं आप लोग कुछ करेंगे उसके बाद आप देखिए मैं क्या करूँ। ये गुंडागर्दी जो हो रही है ना, ये कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर बच्चियों को उठाना, ये सब नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी। और आप लोग इस तरीके से इतना डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड है आप लोगों का, मतलब मुझे आना पड़ रहा है यहाँ पे, ये तो आप खुद ऑन द स्पॉट आपको इसमें एक्टिव हो जाना चाहिए। जानकारी होने के बाद आप लोग सो रहे हैं, शेमफुल। और आप तो महान है, आप तो आ रहे हैं, ट्रीटमेंट करवाइए इनका प्रॉपरली। और आप लोगों को जो एक्शन करना है वो करिए, 6 बजे तक का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। अनुप्रिया पटेल ने न सिर्फ अल्टीमेटम दिया बल्कि मीडिया के सामने भी कह दिया कि अब तो मुख्यमंत्री के सामने बात होगी। क्षेत्र के अंतर्गत का ये प्रकरण है, कार्यकर्ता के घर में उसके लोगों ने शराब पी, उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे, पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, मां की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात है और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम करती है। बहु बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हालात मैंने निर्देशित कर दिया है, 2 घंटे का मैं समय दे रही हूं, अगर एक्शन नहीं हुआ, FIR नहीं हुई तो ये सब सीधे ये मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। फिलहाल जिस तरीके का रुख अनुप्रिया पटेल ने दिखाया है, अपनी ही सरकार में अपनी ही पुलिस के खिलाफ सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं, उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अनुप्रिया के गुस्से पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।